Hello friend, welcome again to the fourth part of the January current affairs series. So let's start. Fourth edition of the Raisina dialogue held in New Delhi. Norway Prime Minister Mr. Erna Solberg delivered inaugural address. Theme kya tha iska yaad rakhna hai aapko? A world reorder, new geometries, fluid partnership, uncertain outcomes. Next, government constituted a high power committee to monitor the pricing of medicine and healthcare product. Is committee ke जो हेड थे वो नीति आयोग मेंबर्स थे हेल्थ वाले. नेक्स्ट, मिनिस्टेरियल पैनल हेडेड बाय महाराष्ट्र फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंतीवार विल एग्जामिन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेशन ऑन लॉटरी अंडर जीएसटी. तो ये आपको याद रखना है, ये सुधीर मुनगंतीवार जो हैं ये एग्जामिन करेंगे यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेशन ऑन लॉटरी अंडर जीएसटी. इस पैनल के हेड होंगे. गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक 7 मेंबर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू बूस्ट द रियल एस्टेट सेक्टर अंडर द जीएसटी रेजिम. और इस पैनल के जो हेड करेंगे वो होंगे नितिन पटेल, जो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के. नेक्स्ट, मद्रास हाई कोर्ट हैज सेट अप एन एक्सपर्ट कमिटी टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द रूट आउट इनवेजिव स्पीसीज ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स. ये महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने सेट किया है एक्सपर्ट कमिटी, इसको हेड करेंगे चेरुकुरी राघवेंद्र बाबू. नेक्स्ट, जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुशील मोदी, वो हेड करेंगे 7 मेंबर कमेटी को. इस कमेटी का काम होगा टू लुक इन टू रेवेन्यू शॉर्टफॉल बींग फेस्ड बाय द स्टेट्स. स्टेट जिस भी स्टेट का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है उसको कारण को वो देखेंगे. नेक्स्ट, सेबी कंस्टिट्यूटेड रिसर्च एडवाइजरी कमिटी विच विल असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी टू अंडरटेक रिसर्च रेलिवेंट फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स. इस कमेटी के जो हेड होंगे, जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है, वो शंकर डे हैं. ये सेबी ने बनाया है. आरबीआई सेट अप एन एक्सपर्ट कमेटी अंडर फॉर्मर सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा के अंडर में आरबीआई ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया है. इसका काम होगा टू सजेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ एमएसएमई सेक्टर. नेक्स्ट है, ये आपको कमिटीज का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है. नेक्स्ट, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड हाई लेवल कमेटी ऑन डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट टू इनकरेज डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स एंड इनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन. ये जो 5 मेंबर कमेटी, वो ये कमेटी जो है 5 मेंबर होगा, ये हेड किया जाएगा फॉर्मर यूआईडीआई चेयरमैन नंदन नीलकानी के द्वारा. ये आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया है. ये पर्पस आपको याद रखना, फॉर डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट टू इनकरेज डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स एंड इनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन. नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज विजिटेड उज्बेकिस्तान. ये है, और वो वहां जाके फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में वो पार्टिसिपेट कर रही है और वो डिलीवर किया स्पीच. तो ये अपने तरह का ये पहला इंडिया सेंट्रल एशियन डायलॉग है, ये आपको याद रखना है. इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द पीएसएलवी C44 कैरिंग कलाम सेट. ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम ये आपको याद रखना है. इसका कलाम सेट जो है ये 10 cm³ वेइंग 1 kg. ये आपको डायमेंशन भी याद रखना है इसका, उसका वेट भी याद रखना है. ये बहुत ही छोटा तरह का सेटेलाइट था. तो नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद IIT हैदराबाद जो है इसने भी अनाउंस किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बैचलर्स प्रोग्राम फुल फ्लेजर्ड शुरू कर रहा है. तो इंडिया में अपने तरह का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और वर्ल्ड में तीसरा है, ग्लोबली थर्ड है. और गगनयान प्रोजेक्ट के अंदर जो इसरो के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया है कि वो तीन एस्ट्रोनॉट को भेजने का प्लानिंग कर रहे हैं और ये 7 डे तक स्टे करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे. अभी मलाला यूसुफजई, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, इन्होंने एक नया बुक लिखा है, वी आर डिस्प्लेस्ड My journey and stories from refugee girls around the world. Next, Civil Aviation Ministry launched the country's first geographical indication store. A country का पहला geographical indication store यह है Dabolim International Airport गोवा में खोला गया है. ये आपको याद रखना है. India's fastest indigenous train, इसका नाम अभी वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया, जिसका ट्रेन 18 पहले बोला जाता था. ये दिल्ली से वाराणसी ने शुरू किया अपना जर्नी. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का इस बार का ये नारी शक्ति जो है वो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया. नेक्स्ट, सक्षम एन एनुअल हाई इंटेंसिटी 1 month लॉन्ग पीपल सेंट्रिक मेगा कैंपेन और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. पहले तो आपको याद रखना है, ये जो सक्षम है ये 2-3 जगह यूज हो चुका है. ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी था, रेलवे का भी था, लेकिन ये आपको याद रखना है, ये सक्षम पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का है. माउंटेनियर सत्यरूप सिद्धांत कॉन्कर्ड अंटार्कटिका द हाईएस्ट पॉइंट माउंट सिडली. विद दिस फीट ही बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड यंगेस्ट मैन टू क्लाइम द 7 हाईएस्ट पीक्स एंड वोल्केनिक समिट्स अक्रॉस द कंटिनेंट.
वो सेवन सातों जो है हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड के, और वोल्केनिक समिट को वो क्लाइम करने वाले फर्स्ट इंडियन और यंगेस्ट मैन बने हैं वो, सत्यरूप सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। यूजीसी ने अभी एक अप्रूव किया है लिस्ट ऑफ जर्नल्स को, उसमें यूजीसी जो है वो एस्टेब्लिश कर रही है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, केयर इसका एक्रोनिम है, तो ये आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि केयर कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एथिक्स ये किसके द्वारा सेटअप किया जा रहा है, तो ये यूजीसी के द्वारा किया जा रहा है। अरुणिमा सिन्हा द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू हैव कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट क्रिएटेड येट अनदर रिकॉर्ड एज सी बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट वीमेन एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट विजन, याद को याद रखना है। जो हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका है एनजीटी ने भी रिसेंटली 100 करोड़ का ये फाइन लगाया है मेघालय गवर्नमेंट पे इलीगल कोल माइनिंग के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी 6 मोनूमेंट को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये लास्ट, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।